किसानों ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा और पंजाब से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। उन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं, जो पुलिस पर पत्थर चला रहे हैं। उस भीड़ को खदेड़ा भी जा रहा है जो हिंसक हो रही है, और इसी तनातनी में किसान और जवान आमने सामने हैं। एमएसपी की मांग के लिए आंदोलन भले ही किसानों का हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस प्रदर्शन में भी मौके तलाश रही हैं। कांग्रेस किसानों की मांग पूरी करने का दावा कर रही है, तो समाजवादी पार्टी उस बैरिकेडिंग पर भी सवाल खड़े कर रही है जिसे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर लगाया गया है। पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता है कि जिन्होंने ये सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, और अभी जब भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को, उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, एमएसपी देगी, एमएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीले लगा देना कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट हमारी सरकार 24 से बनेगी, हम लागू करेंगे एमएसपी का, हम पूरा उनको गारंटी के साथ उनको रेट देंगे। और किसानों के लिए हमेशा कांग्रेस ने काम किया है, चाहे 2009 में किसानों का कर्जा माफ़ करना हुआ हमने माफ़ किया, 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल ले आए, 4 गुना किसानों को मुआवजा मिले, ये हम लेकर आए। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद मायावती ने भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है। मायावती ने ट्वीट में लिखा, अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगे हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनका समय से समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े। हालांकि कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि वो किसानों से बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, साथ ही किसानों से शांति की अपील भी की है। लेकिन जिस तरह किसानों का प्रदर्शन उग्र हो रहा है, जिस तरह दिल्ली को बंधक बनाने की साजिश हो रही है, जिस तरह विपक्षी पार्टियां किसानों के नाम सियासी रोटियां सेक रही हैं, उससे तो तय है कि इस आंदोलन को अब हाईजैक करने की कोशिश होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।